जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, पल पल तन को झजोड़ते हैं, पल पल सतपथ की ओर लगाकर ही चाहते हैं, भले हमें जगाकर ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आलो आरओ की परीक्षाओं का ब्लॉग है और इस वीडियो में करंट अफेयर हिंदी और यूपी जीके की बात करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें अगर मेरे द्वारा कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी उनको फायदा करें। Play this record as frequently as possible. तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी जीके करंट अफेयर और हिंदी। ये तीन टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट है समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए कि आप विश्वास मानिए, ये एकदम गेम चेंजर सब्जेक्ट हैं। हिंदी तो आप जान ही रहे हैं कि छह टॉपिक आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए प्रीवियस ईयर से, प्लस आपके पास एक कोई जो मतलब ऑथेंटिक बुक है उस सोर्स से। तो छह टॉपिक में सबसे इजी टॉपिक जो हैं विलोम हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए आपके, प्लस क्या कहते हैं वाक्यांश और वर्तनी। वाक्यांश थोड़ा आसान पड़ जाता है, वर्तनी थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर्यायवाची हो गया और तत्सम तद्भव, ये भी आपको याद करने वाला है। बाकी विशेष और वाक्य वर्तनी स्तुति आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला टॉपिक है। इन दो टॉपिकों को आप किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ के उसके बाद खुद अपने आप प्रैक्टिस करिए, ना कोई लेक्चर देखिए ना कुछ देखिए, क्योंकि लेक्चर देखने से क्या होता है, एक समय की बर्बादी भी होती। लेक्चर आप देखिए, उसको समझने के लिए लेक्चर देखिए, ना कि लेक्चर से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए अगर किसी ने अभी तक क्रॉनिकल मैगजीन या दृष्टि यूपी नहीं यूज़ की है तो अभी वो जाए मार्केट में, घटनासार वगैरह आ गई है 6 महीने, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में, पहले 4 तारीख हो रही थी, अभी 11 तारीख को नोटिस क्या मतलब मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में क्या आप टेलीग्राम ग्रुप्स पे अवेलेबल है उस पे देख सकते हैं, वहाँ से वो कंप्लीट करना है। क्रॉनिकल के लिए क्या करना है आपको, क्रॉनिकल उठानी है और क्रॉनिकल इस महीने की तो मिल ही जाएगी और कुछ बुक्स पब्लिकेशन है पिछले महीने की मिल जाएगी, तो वो 2 महीने की क्रॉनिकल अगर लेनी हो वो ले लीजिए, नहीं तो अगले महीने आएगी वो तो पढ़ेंगे। घटनासार उठा लीजिए, घटनासार जो है अपनी पूरी एक तरफ से 6 महीने की पढ़ लीजिए। अभी एक बुक और आएगी एग्ज़ाम से पहले, वो आपको करनी है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और तीसरी चीज़ मैंने यूपी जीके और घटना अगर क्रॉनिकल मिला लिए जाए तो मान के चलिए आपका 45 नंबर का पेपर आता है, 45 मार्क्स का जो पेपर है वो यहीं से आएगा यूपी जीके और करंट अफेयर से। तो आप अपनी तैयारी में करंट अफेयर और यूपी जीके का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि आप उसको किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते हैं। मैं तो आपको बताऊँ, हिंदी यूपी जीके करंट अफेयर इस पर इतनी मजबूत पकड़ बना लूँ, मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना लीजिए कि पेपर में कहीं से आपको डिफ़िकल्टीज ना हो। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने लगभग चीज़ें मतलब क्या, हिंदी मैंने पढ़ ली पहले, पर्यायवाची वगैरह जो प्रीवियस ईयर थे वो पूरे निपटा लिए अपने, और सेकेंड मैंने करंट अफेयर पढ़ा था और यूपी जीके मैंने खास तौर से अपना डेली अभी जो मतलब रिविज़न चल रहा है मेरा यूपी जीके का, क्योंकि मैं पढ़ तो चुका ही हूँ पहले से, अब मुझे रिविज़न करना है। और आजकल थोड़ा दिवाली थी, बीच में शेड्यूल गड़बड़ हो गया था, बट अभी शेड्यूल लाइन पे आ गया है, तो अब व्लॉग भी आपको डेली मिलेगा, क्योंकि बीच में दिवाली रहती कई सारे काम रहते हैं तो वो सब चीज़ें छूट जाती हैं। बाकी अभी शेड्यूल जो है एकदम प्रॉपर वे में आ गया है, अपनी स्टडी का रूटीन जो है वो डेली मैं फॉलो करके आपको पोस्ट करता रहूँगा। तो बस ऐसे ही मिलते रहिए और कल अगले वीडियो में कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए, और जब यहाँ तक आई गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बिना सब्सक्राइब मत जाइए। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए।